दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के महान तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हुए आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो उनकी पत्नी हसीन जहान ने उगला जहर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी टी20 वर्ल्ड कप और आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में उनके बाहर होने की खबर को सुनकर पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है। इस बीच उनकी पत्नी हसीन जहान ने अपना असली रूप दिखाते हुए शमी की जमकर खरी खोटी सुनाई और एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार हसीन जहान ने मोहम्मद शमी के आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शमी और जसप्रीत बुमराह में कौन खतरनाक तेज गेंदबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है, लेकिन इस बीच भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। दरअसल भारतीय टीम के महान तेज गेंदबाज शमी आईपीएल के साथ टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, शमी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेकर भारत को फाइनल तक पहुंचाया था। ऐसे में अब उनको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वो अपने पैर में हुई सर्जरी के कारण लंबे समय से क्रिकेट से दूर चले गए हैं। इस दौरान लंदन में काफी बड़ी सर्जरी हुई जिसके चलते आईपीएल के साथ टी20 वर्ल्ड कप से भी उनको बाहर होना पड़ा। और ऐसे में शमी के आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। इस बीच उनकी पत्नी हसीन जहां भी काफी ज्यादा हैरान रह गई और उन्होंने शमी को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए उनके खिलाफ भड़काऊ बयान दिया, जिसमें शमी की पत्नी हसीन जहान ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए शमी ने वनडे वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था जिसके चलते उनका काफी ज्यादा तारीफ का पात्र माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से शमी ने काफी ज्यादा निराश भारतीय क्रिकेट को किया है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। मुझे नहीं लगता कि शमी इस समय भारतीय टीम से बाहर होने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। उनके पास इस समय काफी अच्छा प्रदर्शन करने की काबिलियत मौजूद थी और वो भारतीय टीम के लिए आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप के मुख्य खिलाड़ी साबित हो सकते थे। लेकिन अचानक से उनका टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होना ये बताता है कि इस खिलाड़ी के अंदर फिटनेस की कोई भी ताकत मौजूद नहीं है। ये खिलाड़ी अपने बेहतर प्रदर्शन से जीत के मुख्य हीरो बन सकते हैं, तो अपनी टीम के हार के मुख्य जिम्मेदार खिलाड़ी भी शमी बन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास कई बेहतरीन तेज गेंदबाज मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से कप्तान के साथ टीम का भरोसा शमी ने जीता था, ऐसे में उन्हें अपनी सर्जरी को रोक लेना चाहिए था। अगर उनको मालूम था कि पैर की सर्जरी होनी है, तो उनको अपनी सर्जरी वर्ल्ड कप के शेड्यूल को देखते हुए पहले ही करवा लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सभी को बता दिया कि ये खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलने से काफी ज्यादा दिक्कत महसूस करता है। अगर ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अपनी उपलब्धता को काफी ज्यादा महत्व देता, तो इस खिलाड़ी की सर्जरी काफी ज्यादा जरूरी होता और ये खिलाड़ी पहले ही सर्जरी करवा लेता। लेकिन जानबूझकर भारत के लिए ना खेलना और भारत से गद्दारी करने के लिए इस खिलाड़ी ने सर्जरी को काफी ज्यादा लेट किया और टीम से बाहर होने का मौका बनाया, जो कि शमी की सबसे गंदी हरकत। दोस्तों, बीसीसीआई के आगे आखिरकार झुक गए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, कर दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के महान बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ईशान किशन से लगातार पिछले कुछ समय से बीसीसीआई नाराज चल रहा था। ऐसे में अब जाकर इन दोनों खिलाड़ियों ने बीसीसीआई के सामने झुकते हुए घुटने टेक दिए और अचानक से कुछ ऐसा कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार कैसे बीसीसीआई के आगे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों ने घुटने टेक दिए, ये तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है, लेकिन इस बीच बीसीसीआई और भारतीय खिलाड़ियों के बीच काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। दरअसल बीसीसीआई पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार से काफी ज्यादा निराश चल रहा था। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के लिए नया नियम निकालते हुए सभी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी टूर्नामेंट खेलने के लिए नसीहत दी थी, जिसको कई खिलाड़ियों ने मंजूर तो किया, तो कुछ खिलाड़ी बीसीसीआई को नजरअंदाज करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में अब उन खिलाड़ियों के ऊपर आफत आ चुकी है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई ने कुछ दिनों पहले ऐलान करते हुए कहा था कि जो भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी टूर्नामेंट खेलकर अपनी उपलब्धता हमको दिखाएं और अगर खिलाड़ी चोटिल हैं तो वो उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास जमा अवश्य कराएं। हालांकि इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीसीसीआई के द्वारा यह फैसला ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के ऊपर लिया गया। दरअसल ईशान किशन पिछले कुछ समय से क्रिकेट
ब्रैकेट से बाहर हैं और आईपीएल मोड में आने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर को अंतिम तीन टेस्ट के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद खबर सामने आई कि वो चोटिल हैं और इसी वजह से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला। लेकिन जब पता चला कि श्रेयस अय्यर बिल्कुल भी चोटिल नहीं है तो बीसीसीआई को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसे देखकर अब माना जाने लगा कि दोनों खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो सकता है। ऐसे में अब इस खबर के ज्यादा फैल जाने के बाद अब दोनों ने बीसीसीआई के सामने झुकने का फैसला किया, जहां पर खबर सामने आई है कि श्रेयस अय्यर ने अपना नाम रणजी के सेमीफाइनल मैच के लिए मुंबई को दे दिया है, तो दूसरी तरफ ईशान किशन मुंबई में टी20 लीग खेलते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की टेस्ट सीरीज खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हार के बाद लगातार 3 मैच में जीत देकर सीरीज को अपने नाम किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के मैदान पर 28 रन से गवाया, लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए विशाखापट्टनम के मैदान पर 106 रन से भारत को जीत मिली। तो वहीं राजकोट के मैदान पर भारतीय टीम ने 434 रन से ऐतिहासिक जीत हासिल करी है और हाल ही में रांची के मैदान पर खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम कर लिया है। ऐसे में अब भारतीय टीम को अंतिम टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान पर खेलना है, जहां भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज को 4-1 के साथ मजबूती पर लाने को तैयार है। लेकिन उससे पहले आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को सबसे पहले बड़ी खुशखबरी यशस्वी जायसवाल के रूप में मिल गई है। दरअसल जायसवाल ने अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 4 मैच के अंदर 655 रन बनाए हैं। हालांकि विराट कोहली ने भी साल 2012 में 655 रन 5 मैच के अंदर बनाए थे। ऐसे में अगर अंतिम मैच के अंदर एक रन भी यशस्वी जायसवाल बनाते हैं तो वो विराट को पीछे छोड़कर एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। तो वहीं दूसरी बड़ी खुशखबरी शुभमन गिल को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें, शुभमन गिल ने काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हुए इस सीरीज में सभी को प्रभावित किया। हालांकि पहले मैच में उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखाया, लेकिन इसके बाद लगातार 3 मैच में महत्वपूर्ण पारी खेली है और हाल ही में 124 गेंद पर 52 रन की नाबाद पारी खेलकर भारतीय टीम को चौथे टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत दिलाई है। ऐसे में अब शुभमन गिल का फॉर्म भी पूरी तरीके से लौट चुका है। इसके अलावा तीसरी बड़ी खुशखबरी जसप्रीत बुमराह को लेकर है। दरअसल जसप्रीत बुमराह चौथे मैच में आराम कर रहे हैं, लेकिन अब अंतिम मैच में उनकी वापसी पूरी तरीके से हो चुकी है। इसके अलावा चौथी बड़ी खुशखबरी रविंद्र जडेजा के ऊपर है, जिन्होंने भारतीय टीम को ऑलराउंडर के रूप में काफी बड़ा बैलेंस प्रदान किया है। ऐसे में भारतीय टीम को इस सीरीज में ऑलराउंडर से मिलने वाली समस्या नहीं हुई है। इसके अलावा अंतिम और सबसे बड़ी खुशखबरी भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी ध्रुव जुरैल को लेकर सामने आई है। दरअसल सभी के मन में है विचार था कि भारतीय टीम के लिए परमानेंट विकेटकीपर कौन रहेगा। ऐसे में ध्रुव ने बेहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है और अब मुझे लगता है कि भारतीय टीम के विकेटकीपर की समस्या समाप्त हो चुकी है और अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा मजबूत हो गई है, जो काफी बड़ी खुशखबरी बन गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अंतिम टेस्ट मैच में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बड़े जोश और घमंड के साथ भारत आई थी। उन्होंने सोचा था कि वो टीम इंडिया से टेस्ट सीरीज में बाजी मार लेंगे। बेसबॉल के अंदाज में उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को धूल भी चटाई थी, लेकिन फिर हुआ क्या, उनका घमंड जैसे ही गुरूर में बदला, भारतीय टीम ने उन्हें 7वें आसमान से जमीन पर ऐसा पटका कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। टीम इंडिया ने पहले विशाखापट्टनम में इंग्लैंड को 106 रनों से हराया, तो फिर राजकोट में 434 रनों की ऐतिहासिक सबसे बड़ी जीत हासिल की और अब रांची के मैदान पर अपने युवा सितारों के दम पर टीम इंडिया ने न केवल चौथा टेस्ट सीरीज अपने नाम किया बल्कि 3-1 से ये टेस्ट सीरीज भी अपने नाम कर लिया है। यानी कि अब 5वां टेस्ट मैच तो इंग्लैंड के लिए केवल एक फॉर्मेलिटी और अपना सम्मान बचाने का मौका है, क्योंकि यदि वो 5वां टेस्ट भी नहीं जीत पाए तो उनका मुंह तो काला ही हो जाएगा। 5वां और बेहद ही रोमांचक टेस्ट मैच हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत चौतरफा वादियों से घिरे धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जहां की खूबसूरती इस मैच में 4 चांद लगाने के लिए काफी है। तो वहीं इस मैच को बेहद स्पेशल बनाने के लिए टीम इंडिया में वापसी होने वाली है किंग विराट कोहली की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दूसरी बार पिता बनने के बाद विराट कोहली दोबारा टीम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। वो मुंबई से रवाना भी हो चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीरों ने तो मानो सोशल मीडिया की गलियों में तहलका ही मचा दिया। लेकिन अब उनके साथ एक ऐसा चेहरा नजर आया जिसने तो विराट से भी अधिक सुर्खियां बटोरी हैं। जी हां, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत हैं, जिनकी लगभग 18 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी होने जा रही है। ये भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है और आखिर हो
भी क्यों ना, T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऋषभ पंत की भी टीम इंडिया में एंट्री से भारतीय टीम की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। तो वहीं पांचवें टेस्ट मैच में जैसे ही विराट कोहली आ जाएंगे मानो टीम इंडिया की, तो दुनिया में कोई टीम हरा ही नहीं पाएगी। उन दोनों की तस्वीरें और वीडियो ने इस समय सोशल मीडिया में तहलका मचाया हुआ है। वो दोनों रवाना हो चुके हैं और टीम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या नहीं। क्या ऋषभ पंत मैच खेलने के लिए पूरी तरीके से फिट हैं? वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विराट और पंत को प्लेइंग 11 में मौका देना चाहिए? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 5 विकेट से जीत मिल गई है। इस दौरान भारतीय टीम ने रांची के मैदान पर जीत दर्ज करने के साथ सीरीज में 3-1 से बढ़त बनाते हुए इंग्लैंड को सीरीज में हरा दिया है। इस दौरान भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ चारों तरफ हो रही है। आपको बता दें इस मैच में जीत के साथ बेन स्टोक और ब्रेंडन मैकुलम की जोड़ी ने इंग्लैंड की टीम को पहली बार लगातार 3 मैच हराई है और पहली बार कोई सीरीज को अपने नाम नहीं कर पाई है।